बताइए। कूलिंग कर रहा है, अंदर लगने होती पड़ी है। और फ्रंट से तो है गंदा, देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, यूनिवर्सल लॉ ने हमें बताया फर्स्ट क्या बताया था, अबाउट द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। सेकेंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, थर्ड मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड द फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला क्वेश्चन, एबसेंट है कुछ बच्चे अब। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल का क्या एक्सेलरेशन है? सो फ्री फॉल का एक्सेलरेशन इज कितना है, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9th, what do we call the gravitational force between the earth and an earth, what do we call, hum us force ko kis naam se jante hain, to we called it weight of the object, hum is force ko kis naam se jante hain, weight of the object ke naam se jante hain। theek hai, fir question number 10th, Amit buys few grams of gold at the poles as per the instructions of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? Hint, the value of G is greater at the poles than at the equator. Amit ne kuch gold purchase kiya hai. Be greater at poles and when G is lesser at equators, then weight will be lesser, क्योंकि G है ना, तो अगर G increase होगा तो देन वेट विल ऑल्सो इंक्रीज एट पोल्स एंड वाइस वर्सा। क्लियर एवरीवन? इसका सरफेस एरिया कम है सो एयर रेजिस्टेंस जो है वो लेस होगा। सो व्हाट वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम बेटा, दैट एज शीट ऑफ पेपर is having more surface area then air resistance is more, whereas crumpled ball is having less surface area and hence
एयर रेजिस्टेंस इज लेस. सो शीट फॉल्स स्लोअर एज कंपेयर टू क्रम्पल्ड बॉल. ओके एनी डाउट. गिवन इज मास इक्वल्स टू 10 केजी. सो वेट का फॉर्मूला होता है एम इन टू जी. जी की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन. सो इट इज 98 न्यूटन. अब ऑन अर्थ जाएगा, ऑन मून सॉरी, वी हैव 1/6 इन टू डब्ल्यू ई. सो इट विल बी 16.6 न्यूटन. ओके माइनस 49 इंटू 49, माइनस से माइनस कैंसिल. ओके सो इट विल बी एच इक्वल्स टू 49 इंटू 49 अपॉन 19.6. ठीक है. फिर 49 1 49 49 2 98. 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी, नहीं 2 4 0 0 5 9 45 5 2 4 5 दिस. सो द आंसर विल बी दिस 120 2.5 meter. ठीक है क्लियर. एनी डाउट. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज, हाँ जी बोलो. सो इट विल बी 5 सेकेंड. तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा? हाउ मच विल बी द टोटल टाइम? 10 सेकेंड्स. ठीक है 5 + 5. सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. द हाइट ऑफ द टावर इज 19.6 मीटर. तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, ऊपर से नीचे आता है, तो यू अपने आप हम क्या लेते हैं? ज़ीरो, क्योंकि ड्रॉप्ड है. ठीक है. हाइट इज़ 19.6 मीटर. नीचे आ रहा है तो जी विल बी प्लस. बोला है कुछ टेन वन? कुछ बोला है? टेन लेना नहीं, कुछ नहीं दे रखा जी, तो आप 9.8 लेंगे. ठीक है. तो जी इक्वल्स टू प्लस 9.8 meter per second square. वी पूछा है, वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ओके यूजिंग यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. यूजिंग 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर टू जी इज नहीं गिवन, तो -9.8. एच इज 19.6. वी स्क्वायर फाइंड आउट करना, इनिशियल वेलोसिटी 0. सो नीचे आ रहा था तो प्लस ही रहेगा. इट विल बी 19.6 का स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर. सो इट विल बी वी इक्वल्स टू 19.6 meter per second. कोई डाउट किसी को? एनी वन हैविंग एनी डाउट? ठीक है. हाँ किसी को कोई डाउट है? ओके नेक्स्ट. एनी डाउट हियर? सो वी इक्वल्स टू 0, जी -10 क्योंकि अपवर्ड है. ठीक है.
थर्ड इक्वेशन से हाइट निकालनी है, देन टोटल हाइट एंड नेट डिस्प्लेसमेंट।